अगर हो जाए देश के अंदर एक नया इतिहास 20वीं रैली के माध्यम से जिनकी अगुवाई में आप लोग सब एक बहुत लंबे अरसे से आंदोलन कर रहे हैं, आपके और हमारे सबके अजीज समाज के अगुवा और नेता माने डॉक्टर मित्रा जी देश की संसद में रक्षा का साथ देने के लिए सांसद बैठ साहब भूले जी मनसा सिंह अधिकारी जी हमारी देश की सबसे बड़ी टीम तमाम नेतागण देश के आए सभी साथियों और हरियाणा के बड़े बड़े भाई पुराने अभी जो कह रहे हैं तीसरी की तीस रैली में भाग ले रही है उनके लिए मैं ताली बजा रहा हूं। साथियों ये जो मिशन है बाबा साहब का जो मिशन है लोग किस मिशन के माध्यम से अपने राज की काम लेते हो, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने जो इस मिशन के माध्यम से समाज के लिए पहले देश की सड़कों पर रहे और देश की पार्लियामेंट में शेर की तरह लड़ते हैं, ऐसे शेर को साथियों एक बात अक्सर मैं कहा करता हूं कि इस देश के अंदर आपका समाजवादी समाज सेवक होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो समाज सेवी अंबेडकरवादी राजनीति में रहकर अंबेडकरवाद को आगे बढ़ा सके ये उससे भी बड़ी बात है। डॉक्टर मित्रा उस महाशख्सियत का नाम है जो भारतीय जनता पार्टी में देश की पंचायत के अंदर सामाजिक आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं। ये कटु सत्य है अरे भाई देश में बहुत ख्याल हो गया लोगों ने, ये कटु सत्य
दिल्ली को क्या मुझे खेलना है, हरियाणा के ही दलित बहुत है, क्या मैं दिल्ली को छाप कर दे। मित्रों, कोई भी मिलो, कोई समस्या हो, जब आप अध्ययन करेंगे, आप गूगल करेंगे, सर्च करिए, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जाइए, शायद ही कभी किसी ने तो पार्लियामेंट ने दलित समाज की इतनी मांग उठाया हो, अपने समाज की इतनी बात उठाया हो, जितनी बात अपने क्षेत्र के लिए अच्छा उठाते हैं उससे कम समाज के लिए उठाते कहीं ना कहीं ज्यादा ही उठाते हैं। वो भी देख लेंगे, मैं भी देख लूंगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि आने वाली 21वीं रैली जो आज से ठीक एक साल बाद होनी है और आज से उस 21वीं रैली की तैयारी करते साथ दिल्ली जल बोर्ड का यहाँ पे आसपास कहाँ जहाँ पानी जब आपने संविधान बताया है, आरक्षण बताया है, झंडे वाला आपने बताया नहीं कि आज से मेरा है, निजी क्षेत्र में आज से मेरा है, सामाजिक न्याय के खिलाफ लड़ा है, तो हमारे तौर पर डॉक्टर उदित राज जी, हमारी बहन जी, हमारे समाज के नेता, हमारे प्रदेश के नेता, पुराने साहब और साधु सिंह महाराज के गुरु जैसे हमारे नेता, इन सब नेताओं का साथ देना है, इनको मजबूती देनी है। और ये भी कह सकते हैं कि परिषद को उतना आर्थिक सहयोग नहीं मिलता जितना तमाम आंदोलनों को मिलता है, लेकिन फिर भी आप जो सहयोग दे रहे हैं, जो आपका शारीरिक सहयोग है, ये सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन के लिए इतिहास रहेगा। मैं अपनी बात को विराम दूं, इससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं, तो जब भी कभी सत्ता की बात आती है, परिवर्तन की बात आती है, हमें तकलीफ होती है। लोग ये कहते हैं, कल ही किसी भाई ने कहा कि दलित समाज लोग गाल में बढ़ जाती है, ये कहीं ना कहीं आपको इस बात पर सोचना होगा। क्या आप इस सामने हैं कि डॉक्टर साहब के किराए पर हम सरकार बदलने का माता रखते हैं? साथियों, एक बात मैं कहकर अपनी बात को विराम दूंगा, आने वाली जो 21वीं रैली है, इसके लिए